अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ पहले से। खाना खाया, दवा खाई? हाँ हाँ, खाना भी खा लिया, दवा भी खा ली। ठीक है, आप रेस्ट करें, मैं थोड़ी देर बाद आकर फिर मिलता हूँ। आमिर बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सब खैरियत तो है? मैंने सुना है कि तुमने अपना हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया। जी, हम बाद में चले जाएंगे। देखो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी वजह से ना अपना कोई प्लान कैंसिल मत करो। नई नवेली दुल्हन है, क्या सोचेगी बेचारी। आपसे बात सायरा ने की? नहीं नहीं वो तो सारा दिन से मेरी खिदमत में लगी हुई है, उसने कोई बात नहीं की मुझसे। आप ये सारी बातें कैसे पता चली होंगी? वो अपनी अम्मी से फोन पे बात कर रही थी, अब मैंने इत्तफाकन सुन लिया। मुझे तो बताना ही नहीं चाह रही थी वो, लेकिन मैंने महसूस किया बेटा कि वो परेशान है। अच्छा, आप उसकी फिक्र मत करें, मैं जानता हूँ उसे किस तरह हैंडल करना है, तो मैं कर लूंगा। मगर बेटा, वो अगर मगर कुछ नहीं, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं और सायरा है ना आपके साथ, आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। और कुछ मत सोचें, कुछ भी नहीं सोचें। ठीक है, खुश। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा। मम्मी, मूड काफी खराब है, मतलब ऑफ हुआ हुआ है। आपको क्या परवाह? क्या बात कर रही हो, अगर हमें परवाह नहीं होगी तो फिर किसको होगी? शादी से पहले भी आपके यही डायलॉग्स थे। कम ऑन, हमेशा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी तो की है मैंने। इवन ये जो अभी ट्रिप कैंसिल हुआ है, एक्चुअली ये कैंसिल नहीं हुआ है, बस पोस्टपोन हुआ है। आपको अंदाजा भी है मेरी कजिन्स, मेरे फ्रेंड्स मेरा कितना मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी कितनी इंसल्ट हुई है उनके सामने। एक मिनट, एक मिनट। सायरा, शादी हमने अपने लिए की, एक दूसरे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। हूँ आमिर, वो सब ठीक है, लेकिन 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 छोड़ो, कल मैंने ऑफिस से ऑफ लिया है तो मैं शॉपिंग पर लेकर चलूंगा। मुझे नहीं करनी शॉपिंग। नहीं करनी? चलो एक और प्लान, शॉपिंग के बाद तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवाने ले जाऊंगा और डिनर भी वहीं करेंगे। ओके? सच? अगर आप पहले मुझे शॉपिंग ले जाएंगे और फिर मम्मी की तरफ, तो फिर सोचा जा सकता है। अच्छा चलो, अगर ये बात सुनकर तुम इतनी खुश हो गई हो तो एक गर्म गर्म कॉफी हो जाए। खाना ना लगा दूं? अरे नहीं भाई, खाना नहीं खाना, ऑफिस में डेलीगेशन आया हुआ था, उनके साथ पेट भर के खाना खा। ठीक है, मैं कॉफी बना देती हूँ। और हाँ, वो मीठा ओके।